ओ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब जो है थ्योरी बेस्ड किताब है, सब्जेक्टिव किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का चैप्टर नंबर, चैप्टर में 14 पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपका नवीन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है। तो आपका जो भी लेटेस्ट स्कीम्स है बिहार सरकार की या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 को। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया आपका मुख्यमंत्री, तो आपका यहाँ पर है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ठीक है। तो आपका योजना से क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन हमेशा दो तीन क्वेश्चन रहता है, तो आपको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके इस जो 67th बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें आपका योजना से 3 से 4 सवाल थे, ठीक है, और काफी अच्छे सवाल थे, काफी जो है कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, मतलब कि स्टेटमेंट वाइज सवाल थे, ठीक है। तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि आपका कौन कौन सा योजना चल रहा है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, तो इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना, तो इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना, जन निबंध निबंधन तथा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना है। तो इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना है, और इस योजना के तहत कन्या जन्म के समय मात्र 2,000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में जो UTI के चिल्ड्रेन कैरियर वेलफेयर फंड में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, ठीक है। तो ये आपका है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकने, जन्म निबंधन तथा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना है, और इस योजना के तहत कन्या जन्म के समय मात्र 2,000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में UTI के चिल्ड्रन कैरियर वेलफेयर फंड में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट आपका अंतरजातीय विवाह, तो इस योजना का उद्देश्य हिंदू समाज में, इस योजना का उद्देश्य हिंदू समाज में व्यापक जातीय प्रथा के उन्मूलन हेतु अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना, और इस योजना अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने वाली महिला को 25,000 रुपये की राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, तो इस योजना अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने वाली महिला को 25,000 रुपये की राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जाता है। निश्चित का मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना क्या है, तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं के सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं नवाचारी योजना के निमित्त विभिन्न योजनाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें अनैतिक कदाचार एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है। हेल्पलाइन आपका क्या है, तो हेल्पलाइन संरक्षण गृह, अल्पवास गृह, पालन घर, विवाह राज, महिला सूचना एवं संसाधन के तथा महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण आदि है, ठीक है। तो हेल्पलाइन आपका मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना का हेल्पलाइन संरक्षण गृह, अल्पवास गृह, पालन घर, विवाह राज, महिला सूचना एवं संसाधन केंद्र तथा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण आदि है। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, तो नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को पेंशन देने की योजना का शुभारंभ किया है, और मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में एक क्लिक करके मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 1,35,928 बुजुर्गों के बैंक खातों में करीब 13 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया गया। इस योजना पर हर साल करीब 1,800 करोड़ रुपये सालाना खर्च आएगा। बुजुर्गों को पेंशन मिलने से घर परिवार में उनकी इज्जत बढ़ेगी, और इसका लाभ लेने के लिए किसी भी जाति धर्म और आय वर्ग के बुजुर्ग मोबाइल के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लाभार्थी के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य माना जाता है। आधार से जुड़े बैंक खातों में पेंशन और पेंशन की राशि प्रत्येक महीने ट्रांसफर होती रहेगी। इस योजना के तहत वे वृद्धजन होंगे जो पहले पेंशन समेत अन्य किसी भी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि केंद्र में से चलने वाली वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ सिर्फ BPL के श्रेणी वाले में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है माँ बाप की सेवा की अनिवार्यता को बिहार के मिलने मंजूरी, तो बिहार सरकार ने जो है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 11 जून 2019 को कैबिनेट की बैठक में माँ बाप की सेवा की अनिवार्यता को मंजूरी दी है, और इस फैसले में कहा गया कि अगर बिहार में रहने वाले बच्चे अपने माँ बाप का अपमान करते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने पर अब बच्चों को भी जेल जाना पड़ेगा।
अगर किसी बच्चे के माँ बाप इसकी शिकायत करते हैं तो उसकी संतान सेवा नहीं करती, तो ऐसे बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनको कानूनी संरक्षण प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कैबिनेट की बैठक में बच्चों के द्वारा तो कैबिनेट की बैठक में बच्चों के द्वारा माँ बाप की सेवा करना अनिवार्य बना दिया गया और सरकार इस नियम का पालन नहीं करने और माँ बाप की सेवा नहीं करने वाली संतान को जेल जाना पड़ेगा। निष्पक्ष किशोर न्याय संबंधी कार्य, तो किशोर न्याय संबंधी कार्य तो किशोर न्याय बालक बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के अंतर्गत राज्य में 2 उत्तर रक्षा गृह पटना एवं मुजफ्फरपुर में, 1 विशेष गृह पटना में तथा 10 परिवेक्षण गृह दरभंगा, छपरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, पूर्णिया, बेतिया, पटना, मुंगेर जिलों में, 2 बाल गृह पटना एवं बेगूसराय तथा 1 बालिका गृह दिशानपट्टनम में संचालित किया जा रहा है। राज्य के 38 जिलों में किशोर न्याय परिषद की स्थापना की गई है। नेक्स्ट आपका वस्त्र वितरण कार्यक्रम, तो आपका वस्त्र वितरण कार्यक्रम का 30 योजना का उद्देश्य समाज के असहाय एवं वंचित वर्ग के सदस्यों को कंबल का मुफ्त वितरण के माध्यम से राशि पहुंचाना है। लाभार्थी को राज्य का निवासी होना चाहिए। जैसे आपका समेकित बाल विकास योजना, तो आपका समेकित बाल विकास योजना क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत छह वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती शिशुवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को ग्राम स्तर पर स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 समेकित सेवाएं तथा पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, संदर्भित सेवा, प्रतिरक्षीकरण एवं पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसका संचालन राज्य स्तरीय ICDS निदेशालय, तो इसका संचालन राज्य स्तरीय ICDS निदेशालय, 38 जिला स्तरीय ICDS कोषांग एवं 544 विकास बाल विकास परियोजना कार्यालय 91677 आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, पूरक पोषाहार कार्यक्रम, तो राज्य के कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 91,677 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है जिनके माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के प्रति केंद्र 6 वर्ष तक के बच्चों 40 बच्चों, 16 गर्भवती शिशुवती महिलाओं, 28 कुपोषित अति कुपोषित बच्चों एवं 3 किशोरी बालिकाओं को माह में 25 दिनों तक जो है आपका 4,000 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन, 5 रुपये प्रति महिला गर्भवती शिशुवती प्रति बालिका प्रतिदिन एवं 6 रुपये प्रति बच्चा अति कुपोषित की निर्धारित दर से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक माह की 15वीं तारीख को THR का वितरण किया जाता है और अब लगभग पूरे माह के लिए एक ही दिन पोषाहार प्राप्त कर रहे हैं। पूरक पोषाहार के अंतर्गत 79 लाख से अधिक बच्चे एवं महिलाएं सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी या राशन का क्रय स्थानीय तौर पर किया जाता है और इस पर होने वाले व्यय का भरण 50% केंद्र सरकार तथा शेष 50% राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोशाक योजना, तो आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोशाक योजना, तो स्कूल पूर्व शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के नामांकित बच्चों को राज्य सरकार ने अपने संसाधन से प्रति बच्चा 250 रुपये की दर से पोशाक उपलब्ध कराने की नई योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट आपका दुलार योजना, तो राज्य में दुलार रणनीति माँ और शिशु के संबंधों को प्रागल बनाने तथा ICDS की सेवाओं को ग्राम स्तर पर और अधिक प्रभावशाली बनाने की एक व्यवहारिक योजना है और ICDS योजना के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता को प्रभावशाली ढंग से सुदृढ़ करने हेतु DCF के सहयोग से राज्य के सभी 38 जिलों में दुलार रणनीति योजना का मूर्त रूप दिया जा रहा है। ठीक है, देशभर का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, तो राज्य के सभी BPL परिवार के साठ से 79 वर्ष के वृद्ध पुरुष महिला को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के रूप में प्रति वर्ष 400 रुपये पेंशन की राशि के माध्यम से राहत प्रदान की जाती है और पेंशन का भुगतान डाकघर की बचत बैंक खाता के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, राज्य के BPL परिवार के अठारह से 79 वर्ष के 80 वर्ष या उससे अधिक विकलांग व्यक्ति को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के रूप में प्रति माह 400 रुपये पेंशन की राशि के माध्यम से राहत पहुंचाई जाती है और पेंशन का भुगतान डाकघर की बचत बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, सभी वर्ग के परिवार के 18 से 60 आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य ब्रेड आर्डर की मृत्यु होने के पर उनके आश्रितों को जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के रूप में एक सुमत 20,000 रुपये की राहत पहुंचाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लक्ष्मीबाई सामाजिक संरक्षा पेंशन योजना, तो राज्य के BPL परिवार या वार्षिक 60,000 से कम
आय वर्ग की 18 से 65 वर्ष के विधवा को सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रतिमा 400 रुपया पेंशन की राशि के माध्यम से राहत पहुंचाई जाती है। पेंशन का भुगतान डाकघर की बचत बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट आपका बिहार निःसक्षरता पेंशन योजना, तो बिहार निःसक्षरता पेंशन योजना तो सभी आयु एवं आय वर्गों के लिए, तो सभी आयु एवं आय वर्गों के ऐसे विकलांग जिनकी विकलांगता 40% से कम न हो को पेंशन के रूप में प्रतिमा 400 रुपये पेंशन के पेंशन की राशि के माध्यम से राहत पहुंचाती जाती है और पेंशन का भुगतान डाकघर की बचत बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट आपका राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तो राज्य के 60 से 64 वर्ष आयु वर्ग के वैसे भी जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 5500 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में 5000 रुपये से अधिक न हो तो सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रतिमा 400 पेंशन की राशि से राहत पहुंचाई जाती है। पेंशन का भुगतान डाकघर की बचत बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट आपका जेपी सेनानी सम्मान योजना, तो जेपी सेनानी सम्मान योजना तो बिहार में 18 मार्च 1974 को 1974 से लेके 21 मार्च 1977 से तक चले जेपी आंदोलन में हिस्सा लेने वाले आंदोलनकारियों को पेंशन और सम्मान प्रदान किया जाएगा और जेपी आंदोलन के दौरान जेल में बंद रहे अथवा भूमिगत रहे व्यक्तियों तथा इस आंदोलन के दौरान अपना अपना योगदान देने वाले साहित्यकार, रंगकर्मी, वकील, पत्रकार सहित अन्य योगदान करने वालों में भी सम्मान पेंशन दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि लालू प्रसाद यादव इस योजना के अंतर्गत आने वाले सर्वोपरि राजनेता रहे हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहा ग्राम पंचायत से इस अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत देश के 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एवं तथा उड़ीसा के 116 जिलों को चुना गया जिसमें बिहार के 38 में से 32 जिले शामिल हैं और इस अभियान में देश के उन जिलों को शामिल किया गया जहाँ कोरोना महामारी COVID-19 काल में बाहर से 25,000 या उससे अधिक लोग वापस आए हैं। केंद्र सरकार ने पर्स पर जो है आपका 50,000 केंद्र सरकार ने पर्स पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च करने का आश्वासन दिया है और इस अभियान के तहत एक पंचायत में 3,40,00,000 रुपये खर्च होंगे। मिशन मोड में इस योजना के तहत कामगारों को 1 वर्ष में 125 दिनों का रोजगार देने की योजना, इस प्रकार एक तरह से इसे मनरेगा का दूसरा रूप भी कहा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।